कब्रिस्तान का नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले भूत पिशाच और डर का चेहरा सामने आ जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कब्रिस्तान के बारे में सुना है जहां पर लोग जाकर पिकनिक मनाते हैं और मौज मस्ती करते हैं? नहीं ना, आज हम आपको ऐसे ही कब्रिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर टूरिस्ट जाने को बेताब रहते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, यदि आप कभी भी अपनी फैमिली के साथ डेनमार्क घूमने जाएं, तो वहां के कब्रिस्तान में जाना मत भूलिएगा। दोस्तों डरिए मत, हम आपको डरा नहीं रहे हैं। ये कब्रिस्तान कोई डरावना नहीं है, बल्कि और पार्कों से भी बहुत अच्छा है, बहुत शांत है। जी हाँ दोस्तों, डेनमार्क में एक ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पर लोग पिकनिक मनाते हैं और समय बिताते हैं। जब आप अपनी फैमिली को वहाँ लेकर जाएं, तो उनको ये मत बोलिएगा कि आपको कब्रिस्तान में ले जाया जा रहा है, वरना वो नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है, कब्रिस्तान में कौन जाना चाहेगा। लेकिन हम आपको उस कब्रिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही अच्छा है, शांत है, और आपको वहाँ पर जाकर बहुत ही अच्छा महसूस होगा। डेनमार्क एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी घूमने की जगह है और बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन जो सुकून वहाँ के कब्रिस्तान में जाने से मिलता है, वो वहाँ कहीं और नहीं है। तो क्या है उस कब्रिस्तान में ऐसा? डेनमार्क के लोगों के लिए यह कब्रिस्तान बहुत ही खास है। क्यों? इसकी वजह है उनके वहाँ पर अपनों की समाधि होना। जब भी उनको समय मिलता है, तो वो अपनों की समाधि के पास पहुँच जाते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर आकर दूर हो चुके करीबियों से पास होने का एहसास होता है। दोस्तों, जो सुविधाएं और पार्कों में नहीं होती हैं, यहाँ पर सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। इस कब्रिस्तान के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और वातावरण बहुत ही शांत है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल हैं और लोग अपने पूर्वजों की पसंद के अनुसार उनकी समाधि पर फूल लगाते हैं और उसको सजाते हैं, और बहुत सारी ऐसी निशानियां भी लगाते हैं जो वो छोड़ चुके हैं। जब भी उनको समय मिलता है, वो अपने परिवार के साथ वहाँ पर आते हैं और समय बिताते हैं। डेनमार्क के लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान में जाने से क्या डरना, वहाँ तो अपने लोग रहते हैं, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। जब वो जिंदा थे तो हमेशा हमारे साथ रहे, अब उनका साथ हम कैसे छोड़ दें? इसलिए हमें यहाँ आने से बिल्कुल डर नहीं लगता, बल्कि उनके होने का एहसास होता है, और उनका यही कर्तव्य है कि वो हमेशा उनके साथ बने रहें। तो दोस्तों, आपका इस कब्रिस्तान के बारे में क्या कहना है? मुझे तो लगता है यह बहुत ही इमोशनल और भावनाओं से जुड़ा हुआ कब्रिस्तान है जो बहुत ही सुंदर है। आप अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।